morning to all. Welcome in KVS RO Live Delhi. बच्चे आज हम लोग आप जानते हैं कि 22 अप्रैल है और इसको हम कैसे मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे. वर्ल्ड अर्थ डे मनाने के पीछे है कि जो भी हमें प्रकृति ने दिया है उसका हम संवर्धन करें, संरक्षण करें. और इस अभी आपने एक इटली के जो कोरोना से पीड़ित पेशेंट थे और जब वहाँ से वो रिलीज हुए तो ये न्यूज़ बहुत वायरल हुआ था कि उनसे सिर्फ हॉस्पिटल ने वन डे वेंटिलेटर चार्ज 5,000 यूरो उनको बोला, तो रोने लग गए थे. तो जब पूछा डॉक्टर कि नहीं, आपके पास नहीं है तो आप नहीं पे करिए, कोई ऐसा मैटर नहीं. उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके लिए थोड़े रो रहा हूँ, ये तो बहुत लिटिल अमाउंट है जिसको मैं पे कर सकता, लेकिन मैं उस बिताए हुए दिन जो 80 ईयर्स हमने बिताए हैं और उस वेंटिलेटर का चार्ज हम कैसे अदा करूँगा. तो बच्चे उस बात में कितनी बड़ी अहमियत छिपी हुई है कि जिस चीज़ का, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, किसी भी एनर्जी का कोई भी फॉर्म है या ग्रीन प्लांटेशन की बात है, तो उसको हम हर हमेशा उस पर ध्यान रखेंगे. यदि सब मिलकर के ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से संरक्षण और संवर्धन दोनों होगा. तो आज हम लोग पहले प्लेज करेंगे. प्लेज में आप देखिएगा, जब मैं आई ए के सिंह बोलूँगा तो आप भी अपना नाम, जैसे आए हिमांशु, आए स्वाति, आए प्राची, इस तरह से आप बोलेंगे. तो प्लीज मैं शुरू करता हूं, आप भी हमारे साथ बोलें. माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थ इज माय मदर एंड आई एम द सन ऑफ द अर्थ. आई ए के सिंह सेल इम्बिवाइव दिस स्प्रिट एंड प्लेस डेट आई सेल ऑलवेज प्रिजर्व द अर्थ एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस इन माय डेली लाइफ. थैंक यू. बच्चे आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूल सेल सबसे पहले, फिर हम लोग देखेंगे करोजन, और जब टाइम परमिट करेगा तो हम चलेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में. व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल से आपके मन में आ रहा होगा कि फ्यूल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कंबस्टन के बाद एनर्जी देता है, मतलब ईंधन होता है. तो फ्यूल सेल नाम क्यों पर, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो हम जनरली करते हैं वो आप जानते हो थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, बट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट पावर प्लांट्स इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट मेथड बट इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. आप जब देखते हैं, जैसे अपने दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल हाई हो जाता है तो हम देखते हैं कि बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया गया. ये पावर प्लांट को बोला शट करने के लिए. क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाता है और आप जानते हैं कि उसका जो इफिशियंसी है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि आप पहले कोल को हम बर्न करते हैं तो हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं, उस स्टीम से हमारा टर्बाइन रोटेट होता है, फिर हमारा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. तो ये मल्टीपल स्टेप्स टास्किंग होने के कारण उसकी एफिशिएंसी मात्र 40% रह जाती है. तो व्हाट आर फ्यूल सेल? फ्यूल सेल इज नॉट न्यू, इट इज ए गैल्वेनिक सेल, बट इट इज सो डिजाइंस दैट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारे जो बीच का जो आपका था कि हीट प्रोड्यूस करना है, फिर स्टीम जनरेट करना, ये सारा खत्म है. सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि ऐसा डिजाइन करते हैं कि हमारा जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूल सेल. सो एक बार हम फिर से बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर सो डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मिथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल्स. सो वन ऑफ द फ्यूल सेल्स वॉज
सक्सेसफुली यूज्ड ड्यूरिंग अपोलो स्पेस प्रोग्राम, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और इसका एक फायदा क्या हुआ था कि जो इसका बाय प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट हम एस्ट्रोनॉट जो थे उनको वाटर का जो नीड था वो भी पूरा करने में काम आया। तो अपोलो 11 में स्पेस प्रोग्राम में इसको डाला गया। ये हमारा फ्यूल सेल जिसमें आप देख रहे हो, देयर आर टू कंपार्टमेंट्स। ये एनोड का कंपार्टमेंट है, ये कैथोड का कंपार्टमेंट है। इसके अंदर ये पोरस इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड विथ प्लेटिनम और प्लेडियम मेटल एज ए कैटलिस्ट। सो H2 इज बबल्स थ्रू दिस कंपार्टमेंट एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड ऑक्सीजन इज बबल थ्रू दिस कंपार्टमेंट, रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड वाटर इज जनरेटेड। सो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ साइड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी चीज हम करते हैं तो साइड प्रोडक्ट के कारण हमारा पॉल्यूशन भी होता है। और इसमें एक्वस इलेक्ट्रोलाइट NaOH और KOH लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा फिर रीजनरेट हो जाता है। दैट मीन्स जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास है तब तक ये फ्यूल सेल आपको एनर्जी देता रहेगा। इसका लिमिटेशन बेटा एक यही है कि जो प्लेटिनम और प्लेडियम है कॉस्टली मेटल है, और कॉस्टली मेटल के कारण मतलब जो हम डेली वेजेज में इसको यूज करना चाहते हैं कि हम डेली लाइफ में इसको यूज कर लें, तो वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इफिशियंसी तो बहुत अच्छा है, 70-80% इफिशियंसी है और पॉल्यूशन फ्री है। क्या रिएक्शंस होता होगा इसमें ये देखें, तो एट एनोड क्या होता है, एनोड पर बताना, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझे थे आप, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो H2 प्लस OH माइनस टू इलेक्ट्रॉन, ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन में आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये जनरेट कर OH में। तो यहां पर क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन कहां हो रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये रिएक्शन यहां पर हो रहा है और ये रिएक्शन यहां हो रहा है। फाइनल यदि हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है, यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 4H माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और आपका इधर 4H2 इधर 2H2, तो कितना बचा 2H2। तो देखिए पानी बन रहा है आपका और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सेल है। और इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह मीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये रख करके ये कई सारे तरह के क्वालिटी के फ्यूल सेल डिजाइन किए जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से बताऊं क्या है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल है जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें कोई भी जो फ्यूल का कंबस्टन कराना है वो नहीं करना है। तो ऐसा ही एक सेल सक्सेसफुली यूज किया गया नासा वालों ने किया अपोलो 11 स्पेस प्रोग्राम में। और जो भी उस स्पेस शटल का इलेक्ट्रिसिटी नीड था इस सेल के द्वारा पूरा किया गया। और बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो फ्यूल सेल है ट्राई किया जा रहा है यहाँ इसको बदल करके, ठीक है, इसकी जगह मीथेन रख के, इसकी जगह मिथेनॉल रख करके, और इसकी एफिशिएंसी थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो ये है फ्यूल सेल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं करोजन। करोजन क्या होता है, करोजन के बारे में यदि हमको कोई पूछता है तो है क्या। सो करोजन स्लोली कोट्स
द सर्फेसिस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विथ ऑक्साइड सल्फाइड्स ऑक्साइड कार्बोनेट्स ऑफ द मेटल। ये सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो मेटल का जो ऊपरी लेयर है वो ऑक्साइड में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या एग्जाम्पल करोजन्स का है। तो जैसे देखिए बेटा, ये यदि आयरन होता है तो कितना चमकीला होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये देख रहे हैं जो ब्राउन पैचेज आ रहे हैं, ये सब रस्टिंग ऑफ आयरन है। मतलब इस आयरन मेटल के ऊपर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक लेयर आ चुका है। इसका मतलब इसको जैसे हम रब करेंगे ये निकल जाएगा। तो ये लेयर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ और धीरे धीरे ये मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा है, करोड हो रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये देखिए टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर कितना चमकीला होता है लेकिन ये देखिए ब्लैक पड़ गया है पूरा। क्यों ब्लैक पड़ रहा है, ये सल्फाइड बन चुका है Ag2S ब्लैक होता है। ये देखिए आपको मेटल मिलता होगा जिसमें ब्रास या ब्रॉन्ज का होगा, तो ये देखिए ग्रीन पैचेज जमा हो रहा है। जो ग्रीन पैचेज आपको दिख रहा है, ये ग्रीन पैचेज एक्चुअली बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, और यहाँ पर जो इसमें कॉपर भी है और जिंक भी है, ये ब्रास का बना हुआ है तो एलॉय है, लेकिन इसका जो कॉपर पार्ट है वो करोड हो गया। तो करोड होकर के क्या बना रहा है इसमें, CuH4 और CuCO3, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्रॉन्ज आर एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन्स। करोजन को इस चैप्टर में पढ़ने की क्या जरूरत थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इसका क्या लेना देना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसलिए ले रहे हैं कि यहां पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना ही है। किस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है कि यहां पर जो लॉस और गेन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो चलता है। मतलब रस्टिंग जो है ये एक तरह से आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है और स्पॉन्टेनियस हो रहा है रिएक्शन, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना मानते हैं। अब स्टार्ट कैसे होता है, क्या चाहिए आपको। जैसे यदि हम मैकेनिज्म पढ़ें कि रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यदि हमारे पास मॉइस्ट एयर है जो थोड़ा एसिडिक हो तो अच्छा है रस्टिंग के लिए, और एयर इसका प्रेजेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब करोजन को ये चीज यदि हम हटा लेते हैं तो करोजन हमारा रुक जाता है, करोजन नहीं होता। यदि हम आयरन को रखे रहें और एकदम इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखें उसको, ना कोई एयर उसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने दे ना मॉइस्चर से कांटेक्ट होने दे, तो निश्चित रूप से आप उसको सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर हमेशा आप उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखोगे। वो जैसे ब्रिज में लगा हुआ है, आपके घर में बिल्डिंग्स में आयरन का यूज हो रहा है, तो क्यों लाइफ जो है बिल्डिंग का लाइफ फिक्स किया जाता है, ब्रिज का लाइफ फिक्स किया जाता है, इसी के कारण बेटा कि यदि ये करोड हो जाएगा तो इतने दिन के बाद वो एक जो कैलकुलेशन है वो लगाते हैं कि इसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, तो यदि इसको खत्म कर दें डिस्ट्रॉय कर दें नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा और उससे हम बच सकते हैं। अब यदि हम स्टार्ट करें इसको तो कैसे स्टार्ट करें, तो कह रहे हैं कि इट इज बिलीव टू द करोजन रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। कहां से आएगा मीडियम, आप जानते हो कि हमारे पास CO2 तो बहुत ज्यादा, तो CO2 वाटर वेपर से कंबाइन करके क्या बना देता है, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बना, ये डिसोसिएट होता है, डायबेसिक एसिड है तो ये डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस एक्वस प्लस HCO3 माइनस एक्वस, यही एक तरह से सोर्स बन जाता है। तो
आप देखोगे कि करोजन बेटा कभी भी ना सॉलिड वाले में, मतलब जो स्ट्रेट है उसमें नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई स्क्रैच लग गया है या कहीं ना कहीं कोई बैंड है, तो वहां पर करोजन का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई वर्किंग के दौरान थोड़ा सा ये स्पॉट बना है और यही स्पॉट एक रीजन हो जाता है जो आयरन है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो आयरन जो सॉलिड है Fe2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इसकी E0 की वैल्यू की बात तो -0.44 वोल्ट होता है, ये इसका E0 सेल है। अब आप देख रहे हो कि जो H+ है इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मतलब ये नहीं हो नहीं करेगा, मतलब काफी डिफिकल्टी हो सकती है उसको, लेकिन ये उसको फैसिलिटेट कराता है और फैसिलिटेट करके ये बनाता है। तो एसिडिक मीडियम ही इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसका E नॉट जो होता है बेटा ये होता है 1.23 वोल्ट, ये कभी मत समझिएगा कि 2 मोल है तो ये मल्टीप्लाई होगा, आपको बताया था कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर यदि ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, जैसे आपको पूछ दे कोई क्वेश्चन कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यही रिएक्शन लिख देना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो 2Fe हो गया, वो 2 H प्लस 2Fe2+ प्लस 2H2। E0 सेल कितना आ जाएगा आपका, देखिए राइट माइनस लेफ्ट 1.67 वोल्ट, मतलब इतना वोल्ट जनरेट हो जाता है जब हमारा रस्टिंग होता है। तो यहां पर बेटा जो आयरन 2 हुआ ये क्या करता है, जैसे देखते हो ना लैब में एकदम हर हमेशा बात चलती रहती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, क्यों कह रहा है कि फेरस फेरिक में चला जाना चाहता है, फेरस रहना ही नहीं चाहता, स्टेबल ही नहीं है। उसके पीछे आप देखेंगे D6 D5 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन D6 सिस्टम है वो D5 में जाना चाहता है और आयरन को कोई भी चांस मिलेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के थ्रू, कहीं से भी इसको मिला तो ये इमीडिएट ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3+ में चला जाता है, मतलब आयरन 2+ आयरन 3+ में चला जाता है और हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ये क्या बन जाता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या Fe2O3.XH2। यदि हमको कोई पूछ दे कि रस्ट का क्या फॉर्मूला है तो हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, FeOH3 हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। ये इसका कलर ब्राउन पैचेज होता है, अभी आपको दिखाया था मैंने ब्राउन कलर का, और ये आयरन को खत्म कर दिया, इस एक लेयर खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमने देखा कि कोई भी एक स्पॉट चाहिए जिसको हम एनोडिक स्पॉट कहते हैं, एनोडिक स्पॉट मूव करता है और कांटेक्ट बनाने का प्रयास मीडियम में ऑक्सीजन से और खुद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो कि आयरन यदि एक बार ये इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन ये कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, जब फ्लो ज्यादा देर तक नहीं तो ये रुक सकता है यहां पर। इसका मतलब आयरन बार को
यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तो रस्टिंग रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, फिर उसका ट्रांसमिशन है नहीं, उसका फ्लो है नहीं, तो ये रुकेगा। तो इसलिए हमारा क्या क्या रस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो गया बेटा, एक मीडियम एसिडिक याद रखना आपको, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, थोड़ा सा मॉइस्ट एयर का भी होना जरूरी है। तो इस तरह से हमने देखा ये करोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करोजन है ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसके कारण जो है लॉस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज हो जाता है गवर्नमेंट को, और आप अपने घर में देखते हैं कि हर बार आपको आपको विंडो पेन में जो नेट लगा हुआ है आयरन का उसको पेंट कराना पड़ता है, या आयरन के कोई घर में आर्टिकल है उनको पेंट करना पड़ता है। तो किस लिए? कि हमारा जो आर्टिकल है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप? तो हमने सीखा कि इसके कारण होता है, तो यदि इस चीज को हटाएं मतलब आयरन और इसका कॉन्टैक्ट रोक दें तो हो सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन का क्या क्या स्टेप्स हो सकता है? प्रिवेंशन ऑफ करोजन, पहला स्टेप क्या लेते हैं? स्टेप वन, प्रोसेस वन क्या करें? हम इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा गैप ला दें कि जिससे ये कांटेक्ट में ना आए, मतलब डाल दें जैसे ये कर दें, पेंटिंग कर लें, किसी एक दूसरे मेटल का लेयर डाल दें, मतलब इसको बेटा बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि कोई ना कोई रुकावट डाल देना है हमारे जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, या जिस ऑब्जेक्ट को हमें दूसरे और ऑब्जेक्ट को भी बचाना है, तो उसको यदि हम एलवाइंग कर दें तो इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा है बेटा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल मतलब कोई एक मेटल है वो दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करेगा, मतलब खुद तो करोड़ हो जाएगा लेकिन दूसरे को बचा देगा। दूसरे को बचाना, बचाने में अपने करोड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे बहुत छोटा सा एक एनालॉजी लेकर के सीखते हैं कि एक माँ है और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो माँ क्या करेगी? बच्चे को भीगने देगी या अपने भीगेगी और बच्चे को बचाएगी? तो आप बच्चे ही हैं और कई बार एक्सपीरियंस किया होगा तो माँ ने आपको ही बचाया होगा, और खुद माँ एक्सपोज हुई होगी कि चलो बारिश में मैं तो भीग जाऊंगा लेकिन अपने बच्चे को नहीं भीगने दूंगा। ठीक इसी तरह से जो एक मेटल इसके ऊपर आता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन। जैसे ये आयरन है और इसको बचाना है तो इसके ऊपर एक जिंक का लेयर डाल दें, जिसको जीआई पाइप वगैरह भी बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन भी बोलते हैं। तो इस पर क्या हुआ कि आपके पास ये आयरन है और इसके ऊपर आपने जिंक का लेयर डाल दिया, जिंक का लेयर डाल दिया, तो ये जिंक अब गैल्वेनाइज्ड आयरन है, तो खुद ये क्या करेगा कि अपने आप तो एक्सपोज हो रहा है लेकिन आयरन को सेव करेगा, आयरन को सेव करेगा। दूसरा
एक इससे भी तो हम सेव कर सकते हैं, जैसे हमने टीन ले लिया, टीन का एक लेयर, तो निश्चित रूप से बैरियर प्रोटेक्शन की बात है, तो जब तक ये बैरियर इसके पास है तब तक तो इसको सेव करेगा, लेकिन यदि हैंडलिंग में कहीं से स्क्रैच लग गया और ये एक्सपोज हो गया दोनों ही जगह, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बन रहा है, तैयार हो रहा है, अब ये और ये दोनों हैं, ये हैंडलिंग के दौरान क्या हुआ है कि जिंक का लेयर भी हट गया है, यहां से थोड़ा सा टीन भी हट गया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ जिंक एंड टीन विच वन प्रोटेक्ट्स आयरन बेटर इवन आफ्टर क्रैक्स एंड व्हाई, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि जिंक और टीन में से कौन बेटर प्रोटेक्ट करेगा इवन आफ्टर क्रैक्स, जो ये डेवलप हो गया है और क्यों, सोचिए जरा। इसका जवाब फिर आपको कहां मिलेगा, इसके ई नॉट वैल्यू में, आयरन का ई नॉट वैल्यू होता है 0.44 volt, जिंक का वैल्यू है 0.76 volt और टीन का वैल्यू है 0.14 volt। क्यों लिखा इसको हमने, देखिए यहां पर ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के अलावा जिंक कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कर रहा है, लेकिन टीन अब करोजन के रेट को बढ़ा रहा है, क्योंकि सर ये कैसे हो गया, करोजन के रेट को बढ़ा क्यों रहा है और ये क्यों अभी तक उसको रोके हुए है। तो देखो आप जानते हैं कि जब जिंक और आयरन कांटेक्ट में होगा तो आपको मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसका ज्यादा ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए किसका नेगेटिव ज्यादा है, जिंक, तो जिंक जब तक ट्रेसेस में भी रहेगा, जब तक ट्रेसेस में भी कहीं एक टुकड़ा यदि रहेगा आयरन को वो लॉस करने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, मतलब हर हमेशा एनोड का काम वही करेगा और आयरन को कैथोड बना करके रखेगा, तो इस केस में तो कहीं से रस्टिंग नहीं होगा। और यहां रस्टिंग फास्ट क्यों हो जाएगा, देखो यदि हमारा प्योर आयरन होता, ये आयरन होता, तो ये इंतजार करता ऑक्सीजन और H प्लस का कि आएगा तब हम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, यहां क्या है ऑटोमेटिक उसको एक दूसरा कपल मिल गया, जो ये कपल है इसका -0.14 है और इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या काम शुरू कर देगा, आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू करेगा और गेन कौन करेंगे, टीन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया और आपका करोजन काफी फास्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप कि आउट ऑफ जिंक एंड टीन विच वन प्रोटेक्ट्स आयरन बेटर इवन आफ्टर क्रैक्स एंड व्हाई, तो हम कहेंगे जिंक, तो व्हाई, बिकॉज जिंक नॉट ओनली एक्ट्स एज ए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बट कैथोडिक प्रोटेक्शन टू। तो एक वर्ड आ गया कैथोडिक प्रोटेक्शन, वो क्या होता है वो सीखते हैं थोड़ा सा, वो भी तो ये मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बेटा ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये गेन कर लेगा, तो इसमें रिएक्शन तो और फास्ट हो जाएगा, मतलब इवन आयरन से भी रस्टिंग फास्ट हो जाएगा और इसमें ट्रेसेस ऑफ थोड़ा सा भी जिंक कहीं भी बचा रहेगा, इसको कभी भी वो रस्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको समझते हैं जरा सा, और कहां कहां यूज करते हैं,
जैसे देखो कि तुम अपने ग्रिल के लिए है ना, अपने आयरन आर्टिकल के लिए बहुत ज्यादा सचेत हो और क्या करते हो कि हर बार पेंट करा लेते हो, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ये ऐसे पाइप उन्होंने डाला हुआ है जिससे आप पानी पीते हो, बहुत गहरा पाइप डाल दिया है, ये ग्राउंड लेवल है, अब आपने देखा कि इसको खुदवा करके दिल्ली गवर्नमेंट वाले पेंट करवा रहे हैं, कभी नहीं देखा होगा, उनको फुर्सत भी नहीं है और कराएंगे भी नहीं, तो क्या करते हैं इसमें बेटा, एक तार कनेक्ट रहता है और यहां पर ग्राउंड लेवल में एक बॉक्स बना रहता है जिसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम इस तरह का रिएक्टिव मेटल रखा रहता है। तो रिएक्टिव मेटल रखा रहता है, तो अभी आपको क्या सिखाया था कि मैग्नीशियम का जो ई नॉट वैल्यू है वो -2.36 होता है, एल्युमिनियम का भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है आयरन के कंपैरिजन में, और आयरन का कितना था -0.04 वोल्ट। तो आप बताओ कि यदि इसका कांटेक्ट इससे बना रहेगा तो क्या आयरन को कभी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने देगा, हर हमेशा उसको फोर्स करेगा कि नहीं तुम कैथोड बने रहो, एनोड तो मैं बनूंगा। तो फिर यहां से जब इस बॉक्स में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कंज्यूम हो जाएगा फिर उसको डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन। और एक मैं शुरू में ही बताया था, जो यदि हम कोई एक बेसिक सॉल्यूशन ले लें जैसे बिस फेनॉल वगैरह होता है, तो उस तरह का यदि हम ले लें सॉल्यूशन और उसमें डिप कर दें अपने आर्टिकल को, तो जब तक हमारा उसका एनवायरनमेंट बेसिक बना रहेगा तब भी रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये दो टॉपिक सीखा है, उसको समराइज करता हूं थोड़ा सा, फिर चलेंगे हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। हमने फ्यूल सेल पढ़ा था बेटा, फ्यूल सेल जो लेट ज्वाइन किए हो, फ्यूल सेल का मतलब कि कंबस्टन करके एनर्जी नहीं लेना है, उसका केमिकल एनर्जी डायरेक्टली हार्नेस करना है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट गैल्वेनिक सेल्स आर नोन एज फ्यूल सेल्स। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जिसको अपोलो 11 में यूज किया गया था स्पेस प्रोग्राम टू हार्नेस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज वाटर, और उसका कई सारे मिथेन के साथ मिथेनॉल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसके बाद आपने सीखा करोजन, करोजन क्या था, करोजन आपने देखा कि ये स्लोली कोट करता है सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, ऑक्साइड का लेयर हो जाता है, सल्फाइड हो जाता है, हाइड्रोक्साइड हो जाता है, कार्बोनेट हो जाता है। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखाया कि जैसे मैंने दिखाया था आपको कि ये देखो बेटा ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्राउन पैचेज है आयरन के ऊपर, और हमने दिखाया था टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है जो ये सिल्वर को ब्लैक कर रहा है, मतलब सिल्वर सल्फाइड का लेयर आ चुका है इसके ऊपर, और ग्रीन कोटिंग डेवलप ऑन ब्रास एंड ब्रॉन्ज और कॉपर इटसेल्फ। सो ये जो ग्रीन पैचेज आप देख रहे हो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। फिर हमने आपको बताया कि क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना इसको मानते हैं, तो हमने देखा कि इससे तो ई नॉट सेल जनरेट हो रहा था, आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और आयरन 2+ बन रहा था, जो आयरन 2+ इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू फेरिक इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स फाइनली FeOH और Fe2O3.XH2O जिसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड। इलेक्ट्रोलिसिस
बच्चे इस वर्ड को देखो अच्छी तरह से, ये मैं अपने क्लास में जरूर बताता हूं बच्चे को। ये लाइसिस का मीन्स होता है फिशन, ब्रेकिंग, क्लीवेज, मतलब टूटना, और इसके पहले जो होता है वो एजेंट होता है बेटा। एजेंट मतलब यहां पर एजेंट इलेक्ट्रिक करंट है जो उसका डिकम्पोजिशन करेगा। यदि बेटा यहां पर रहे थर्मोलाइसिस तो हीट उसको तोड़ेगा, जैसे CO3 का थर्मोलाइसिस होता है तो CA और CO2 में जाता है। AgBr को Ag और Br में कौन करता है, पहले वाले कैमरा में देखते थे लाइट लगता था और वो सिल्वर जाकर के वहां डिपोजिट होता था, फोटोलाइसिस। तो इस चीज को एकदम ध्यान कर लो वर्ड को अच्छी तरह से कि लाइसिस का मीन्स होता है क्लीवेज, फिशन, और ये पहले जो होता है एजेंट। तो इसका नाम से ही आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, कि द डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो वर्ड इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये वर्ड नाम किसका दिया हुआ है, माइकल फैराडे का। और माइकल फैराडे इस तरह के व्यक्ति थे कि मतलब एक सनकी टाइप का इंसान कहते हैं कि वो सब्सटेंस को कहते थे दो ही तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। मतलब वो सब्सटेंस को और दूसरे किसी कैटेगरी में नहीं बांटते थे, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन डिजॉल्व स्टेट, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी पर वर्ड आया, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सारा। बच्चे मैं आपको थोड़ा सा आज, मैं हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माइकल फैराडे का, माइकल फैराडे की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि देखो अभी जैसे हम लोग परेशान हैं, कुछ आया है लेकिन कोई ना कोई नया रास्ता निकल रहा है, कुछ इन्वेंट करके, जैसे कभी हमने नहीं सोचा था कि इस मोड में जाकर के पढ़ाना पड़ेगा आपको, और मैं इसका मतलब हैबिचुअल भी नहीं हूँ, ना मुझे कुछ आता है इस तरह का, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, आप भी उधर से प्रयास कर रहे हैं सीखने का, और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमको नए नए रोज कुछ ना कुछ हमें अपना गुरु मंत्रणा देते हैं, सलाह करते हैं, तो सर अच्छा करने के लिए। माइकल फैराडे फोर्थ सन था अपने माता पिता का, उनके पापा एक गोल्ड स्मिथ थे और बीमार रहते थे और एक विलेज टाउन में थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया कि कुछ वहां पर हमें काम मिल जाएगा, लेकिन वो बीमार रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे और उनको चार चार दिन बेटा भोजन नहीं मिलता था। तो 14 ईयर्स के ओल्ड में, और उससे पहले उनकी मम्मी थोड़ा सा क्या करती थी कि जो हमारा जहाँ चर्च होता है वहाँ ऐसे बच्चों के लिए कि जो एकदम लाचार हैं, उनको कहीं फॉर्मल एडुकेशन नहीं मिलता है, संडे स्कूल उसको बोलते थे और संडे स्कूल में वो पढ़ते थे। एट द एज ऑफ 14 एक अप्रेंटिस टाइप का उन्होंने क्या किया कि एक बुक बाइंडर शॉप पे जॉब करते थे और सुबह में उसी का न्यूज़पेपर का भी डिलीवरी का वर्क था, वो करते थे। इस बीच में उनको एक शौक आया कि जो भी बुक बाइंडिंग के लिए अच्छा बुक साइंस के टॉपिक्स पर आता था उसको वो पढ़ते थे और पढ़ करके और फिर उसका वो नोट्स बनाते थे। एक बार उनका वो शौक देख करके जो उनका ऑनर था, उन्होंने सर हम्फ्री डेवी जो थे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लंदन के डायरेक्टर्स, उनका लेक्चर सुनने के लिए टिकट उनको प्रोवाइड कर दिया। वो उनका लेक्चर सुनने के बाद एक नोट बनाया, नोट बना करके उसको एक पाइल करके और डेवी को भेजा वहाँ इंस्टीट्यूट में, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि मुझे यदि कोई जॉब हो मिल जाए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला, लेकिन उस नोट्स को हम्फ्री डेवी ने देख लिया। तो संजोग से क्या हुआ कि एक जो लैब असिस्टेंट था वो किसी वजह से बर्खास्त किया गया, हटा दिया, तो उनको फैराडे की याद आई और फैराडे को बुलाया गया, और फैराडे एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑफ हम्फ्री डेवी। तो जानते हो डेवी का सबसे बड़ा खोज क्या कहा जाता है, कि फैराडे को उन्होंने ढूंढ निकाला। जो फैराडे जिस समय
इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, आप सोच सकते हो। उस समय वो बताते थे जितने इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये अमाउंट आपका जनरेट हो जाएगी। जिस समय कूलोमीटर चलता था, ये कोई करंट और इसके लिए कोई डिवाइस नहीं होता था। तो आप उनके जीवन से प्रेरणा लो कि कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, कोई भी डिग्री नहीं था, और उन्होंने कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आप फैराडे का नाम नहीं सुनोगे, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, चाहे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो आप उसको आप देख लो हेनरीज लॉ के साथ उनका मॉडिफिकेशन देख लो, फैराडेज कप्स देख लो। तो ये बहुत सारे, मतलब कोई जरूरी नहीं है, तो आपको जो समय मिला है इसका उपयोग करिए, और जो विपरीत समय चल रहा है उसमें भी अपना जज्बा कायम रखिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड आया, इसमें हमने क्या सीखा कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो इसको ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक तब कर पाएंगे जब ये आयनिक फॉर्म में होगा, और इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। इस प्रोसेस और उस प्रोसेस में क्या अंतर हो जाएगा, जो हमने शुरू में पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ गया, तो उसमें क्या था बेटा कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट उल्टा हो रहा है कि मतलब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, कि डिकम्पोजिशन हो जाए। तो इस यहां पर जो उनका जनरलाइजेशन था, इसको फैराडेज लॉ के फॉर्म में जाना गया कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है आपका कि द अमाउंट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आप पास करेंगे। इसको हम दूसरे तरह में बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट आइदर इलेक्ट्रोड, डिपोजिट वर्ड हम मेटल के लिए यूज कर रहे हैं, कोई गैस वगैरह निकलेगा ऑक्सीजन सीएल2, वर्ड लिबरेटेड यूज कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट आइदर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या था, ये क्यू था, और ये आता कहां से है, तो करंट और इनटू टाइम यहां से आता है, और इसका यूनिट कूलम्ब होता है, तो 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड, ये 1 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखें जेड, तो जेड क्यू, व्हाट इज जेड, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करें बेटा, कि जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो ये कितना कूलम्ब होगा, 1 कूलम्ब। तो बाय पासिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बहुत आसान हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर है, मास के बराबर है, लेकिन कब, जब 1 कूलम्ब का चार्ज हो, और 1 कूलम्ब का चार्ज कब होगा, व्हेन वी फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम के लिए यदि हम 1 एम्पियर को करंट को फ्लो करते हैं तो हमारा जो मास डिपोजिट होता है वो उस जेड के बराबर होता है। तो ये बेटा इक्विवेलेंट वेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो एम इज इक्वल टू जेड,
कब? When Q is 1 कूलम, या आप कह सकते हैं कि I is 1 एम्पियर, टाइम इज 1 सेकंड, टाइम इज 1 सेकंड। तो इस तरह से हम एम जेड, अब बेटा इसको एक फॉर्मूला से ले लें कि कैसे हम जेड निकालेंगे, देखते हैं। जैसे आप देखो एन ए प्लस एन, ये 1 कूलम 96500 कूलम है और ये 23 ग्राम जमा कर रहा है। ये कहां से आया एक बार फिर हम लोग देखें, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और हमने आपको बताया था बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पर, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 10^-19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन होता है, और आपके एवोगाड्रो नंबर में एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.02 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। मल्टीप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, कूलम पर मोल बचेगा, और ये हमने आपको बताया था कि आता है 96487 कूलम्ब पर मोल। इसी को हम रफली बोल देते हैं क्या, 96500 कूलम्ब पर मोल, और अपने साइंटिस्ट फैराडे के ऑनर में इसको कितना फैराडे बोलते हैं, 1 फैराडे। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा बेटा कि यही जेड होगा जब हमारा कूलम्ब कितना होगा, 1। तो देखो बेटा ये 96500 कूलम्ब है तो कितना ग्राम जमा हो रहा है सोडियम, 23 ग्राम। सो एक कूलम्ब से कितना जमा होगा, 23/96500 ग्राम। तो ये क्या है आपका, ये सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इसी तरह से यदि आपको कोई पूछता है कि बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहां पर 2 × 96500 है और कितना ग्राम जमा हो रहा है, 24। तो एक कूलम से कितना होगा बेटा, 24/2 × 96500 ग्राम। तो ये हमारा मैग्नीशियम का है। अब जनरलाइज कर ले बेटा, Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम, एम इज द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, तो इसका जेड क्या होगा, तो हम इसका जेड क्या बोलेंगे, एम। एम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। सोडियम के केस में कितना लिया था, 23। मैग्नीशियम के केस में 24। एल्यूमिनियम रहता 27। यहां पर 1 फेराडे, यहां पर 2 फेराडे, यहां पर एन फेराडे। तो Z इज इक्वल टू एम बाय एन एफ, याद रखेंगे। N क्या है, N है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मेटल कैटायन। जैसे यहां पर हमें एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ा था क्योंकि चार्ज 1 था, हमें यहां पर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी थी क्योंकि चार्ज 2 है, यहां पर हमें N मोल इलेक्ट्रॉन्स, N फेराडे की जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहां पर चार्ज N है। तो आप इस तरह से Z में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से करें रिपीट, क्या है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट आइदर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। लिबरेटेड वाट के लिए देखें क्या करते हैं, जैसे आपका एनोड पर ये देखिए, ये देखिए क्लोरीन लिबरेट हुआ एनोड पर, तो आपको कितना लग रहा है, 2 फेराडे लग रहा। तो यहां भी आप इसका जेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से या तो डिपॉजिट हो या लिबरेटेड हो। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस,
ये एक्चुअली मैंने बहुत पढ़ा था, ये अपने इंडियन बुक में इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बोला था। उनका एक पब्लिकेशन था, एक जर्नल्स में, एक मैगजीन में पब्लिकेशन था ये इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, और वहीं से हमारा इंडियन बुक्स, इंडियन ऑथर ने इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का नाम दे दिया। ऐसा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपोजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस पर ध्यान करिएगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी है वो सेम है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपोजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स, टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। अब बेटा यहां पर एकदम कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और वो इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट तो आपने सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट का तरीका निकालने का होगा कि एटॉमिक मास ऑफ मेटल, जैसे ये हमारा है एटॉमिक मास ऑफ मेटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मेटल कैटायन। उस मेटल कैटायन को वो क्या करे, डिस्चार्ज कर दे, डिस्चार्ज द मेटल कैटायन। जैसे यदि आप इक्विवेलेंट वेट सोडियम का निकालना चाहते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। चार्ज कितना होता है, 123 आ गया आपका। आप चाहते हैं मैग्नीशियम का निकालें तो क्या होगा, 24/2। आप चाहते हैं एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 27/3। तो m बाय n इलेक्ट्रॉन इन जनरल क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ मेटल m, और नीचे क्या होगा, n जो भी इसके ऊपर चार्ज। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो फिर से देखें इसको, ये क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपोजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये कितना ग्राम जमा होगा, 24, कितने फैराडे से, 1 फैराडे से। मैग्नीशियम 2+2 इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे, 24 ग्राम। एल्युमिनियम 27 ग्राम, कितना फैराडे, 3 फैराडे। ये वर्ड देख रहे हैं, कह रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप अलग अलग यदि हम दे रहे हैं, यदि बेटा हम अपने सोर्स में इन सबको यदि हम सीरीज में जोड़ दें और एक 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए, एक सोडियम का, एक मैग्नीशियम का और एक एल्युमिनियम का, और उस सोर्स में ये हम चार्ज दें 1 फैराडे, तो ये कितना जमा होगा, मास डिपोजिटेड इसमें कितना जमा होगा, 23 ग्राम। इसमें कितना जमा होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, 12 ग्राम, और इसमें कितना जमा होगा, 9 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं कि आ गया ना, क्या बोल रहा था कि इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। देखो ये इक्विवेलेंट वेट इसका 23 था तो 23, इसका इक्विवेलेंट 12 ग्राम था तो 12 जमा हुआ,
इसका 27 था तो 9 ग्राम जमा हुआ। ठीक इसी तरह से यदि आप सोर्स बदल देंगे, यदि आप यहां पर 3 फैराडे लिख देंगे तो ये तो 27 जमा होगा, ये 3/2 × 24 हो जाएगा और ये 3 × 23 हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा जमा हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं और सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट होगा, तो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से ये जमा होगा। तो इस पर फॉर्मूला बन सकता है, आप निकाल सकते हैं, जैसे डब्ल्यू सी यू बाय ई सी यू, डब्ल्यू जेड एन बाय ई जेड एन, तो ये क्या है, वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, और ये है इक्विवेलेंट वेट, ये वेट ऑफ जेडन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेडन, मतलब एक यदि आपको पता लग गया तो दूसरा तो निकाल लेंगे आप, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतना जमा होगा। जैसे अभी हमको सिर्फ ये पता लग गया कि ए 1 फेराडे से 23 ग्राम यदि जमा हो रहा है सोडियम, तो इसके 1 फेराडे से ये 12 ग्राम जमा होगा, इसके 1 फेराडे से 9 ग्राम जमा होगा, तभी ये फॉर्मूला आया है। तो आप इन जनरल कर लें कि डब्ल्यू 1 बाय ई 1, डब्ल्यू 2 बाय ई 2, डब्ल्यू 3 बाय ई 3, इस तरह से आज जितना भी हमने डाल रखा है उससे हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट वेट है, ये 1 कंपोनेंट का, ये इक्विवेलेंट 2, ये इक्विवेलेंट वेट 3 का, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम लोग कल के उसमें ले लेंगे, आज टाइम परमिट नहीं कर रहा। तो इतना हमने देखा आज कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक बार फिर से कि पहला लॉ क्या कहता था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। दूसरा क्या कहता है हमारा कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका सीखा था हमने कि एटॉमिक मास ऑफ मेटल बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मेटल। ठीक, थैंक यू।